नमस्कार। तो अभी कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने कहा था कि अब थिएटर्स में लोग जाना कम कर रहे हैं, धीरे धीरे फिल्म देखना कम कर रहे हैं, और यही हालत होगी तो थिएटर्स बंद हो जाएंगे। अब आपको मैं पूरा बताता हूँ कि कंगना रनौत ने क्या लिखा था, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ तक कि कोविड से पहले भी नाटकीय दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट आ रही थी, कोविड के बाद ये गंभीर रूप से तेज हो गई है। कई थिएटर बंद हो रहे हैं और मुफ्त टिकट और कई उचित ऑफर के बाद भी दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट जारी है। लोगों से अनुरोध है कि वे सिनेमाघरों में फिल्में देखें और परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लें, अन्यथा वे थिएटर टिक नहीं पाएंगे। धन्यवाद। तो कंगना रनौत ने कुछ ऐसा शेयर करा था और आज उसी के बाद भाई, जैसे कंगना रनौत ने बोला था कि फिल्म थिएटर्स में नहीं चली है, तो आज फिल्म क्रिटिक सुमित काडेल ने एक रिकॉर्ड शेयर करा कि आज हिट फिल्म्स का जो 2023 में हिट फिल्म्स थी वे बताई। तो देखिए, हिट सक्सेसफुल फिल्म्स 2023, पठान, TJMM, मिस्टर चटर्जी VS नॉर्वे, द केरला स्टोरी, जरा हटके जरा बचके, सत्य प्रेम की कथा, RRKPK, गदर 2, OMG 2, ड्रीम गर्ल 2, जवान, फुकरे 3, 12th फेल। तो भाई, ये इतने सारे वे मूवीज है जो कि इस साल सुपर हिट गई है। और आपको जवान का तो पता ही होगा, जो शाहरुख खान की अभी आई थी, उसने तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। उसने तो भाई मेकिंग चार्ज से 17-18 गुना ज्यादा की अर्निंग कर ली है। और अभी आपको पता ही होगा, सलमान खान की टाइगर 3 भी आ रही है। अभी कुछ समय पहले टीजर लॉन्च हुआ था और भाई उसके कल टिकट की ओपनिंग थी, एडवांस टिकट बुकिंग की ओपनिंग खुली थी। भाई 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ की अर्निंग कर ली थी। भाई 1 करोड़ की टिकट 1 घंटे के अंदर बिक चुके थे। आर्टिकल देखिए, मतलब कि पिछले कई सालों में से इस साल फिल्म्स ने बहुत ज्यादा अर्निंग करी है। और कंगना रनौत कह रही है कि भाई थिएटर्स खाली होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, शायद कंगना रनौत जी वैसे भी पॉलिटिक्स में जाने की बात कह रही थी। अभी आपको बताऊंगा, वे मंदिर में दर्शन करके आई थी। उन्होंने उसके बाद में कहा था कि अगर श्री कृष्ण की कृपा रही तो वे अगले साल जरूर चुनाव लड़ेंगी। तो जिससे साफ जाहिर होता है कि भाई अब फिल्म में तो उनका करियर नहीं चल पाएगा, लेकिन इलेक्शंस में चल सकता है। तो इस बार में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।